ये दूरियां फिलहाल हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल बी पॉजिटिव विद प्रिया। सो फ्रेंड, आज आप लोगों के साथ मैं ये वाला लुक शेयर करने वाली हूँ जो है वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम एल्प्स गुडनेस का ग्रीन वाला टोनर है, ग्रीन टी वाला टोनर अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये है गुड्स वाइब्स का रोजी वाला ग्लोइंग फेस सीरम। सो ये अप्लाई करने के बाद यह है बायोटेक का बेबी क्रीम मॉइस्चराइजर। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगता है गाइस। सो मॉइस्चराइजर लगाने अच्छे से लगाना, विंटर का जैसा सीजन है तो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। उसके बाद मैं यहाँ पे बायोटेक का फ्रूट लिप बाम ले रही हूँ, ये वाइटनिंग लिप बाम है। सो उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर जो सिलिकॉन बेस है प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर स्किप मत कीजिएगा गाइस। सो मैं यहाँ पे मिलाने का आईब्रो केक है, सो आईब्रो को फिल कर दूँगी इसकी मदद से। ब्राउन कलर का जो शेड है ये ले लूँगी। सो अच्छे से एक फ्लैट ब्रश की मदद से अपना आईब्रो को फिल कर लूँगी। सो उसके बाद जो है ये इलेगाल का प्रो कॉन्सिलर। सो कॉन्सिलर से जो भी शार्प एजेस है मेरे आईब्रोज का वो मैं एजेस को क्लीन करके क्लियर कर लूँ। देन उसके बाद वही वाला कंसीलर अपना आईलिड पे, दोनों आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद एक फ्लैट ब्रश के मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन अच्छे से अप्लाई करने के बाद गाइस मैं अपना आईज को आई शेडो लगाने के लिए रेडी कर लूँगी। उसके बाद जो स्टे क्विकी का लूज टेंशन पाउडर है, सो मैं एक ब्रश की मदद से पाउडर अप्लाई कर लूँगी। सो उसके बाद मैं एक सेलो टेप ले लूँगी, जैसे कि ये आईज पे अगर लगाने से इसका जो शेप जो अच्छा आता है। सो एक मैं पतला सा एक ब्रश लेकर अपना आई शेडो क्रिएट कर रही हूँ, जैसे कि क्रीज लाइन को बिल्डअप करूँगी। सबसे फर्स्ट में एक लाइट कलर पिक करके देन उसके बाद डार्क कलर जो है आई शेडो का आई शेडो पैलेट में से, ये है मिस रोज का आई शेडो पैलेट। तो उसके बाद में एक डार्क रेडिश एक कलर है वो कलर पिक करके अपना आईलिड पे लगा रही हूँ, एक साइड दोनों साइड पे लगा रही हूँ। उसके बाद में ब्रश को थोड़ा सा गीला करके स्प्रे से, सो जो डार्क गोल्डन कलर है वो कलर से बीच में आईलिड पे अपना अप्लाई कर रही हूँ। सो इससे कलर अच्छा से आता है। देन उसके बाद मैं सेलो टेप क्लीन कर लूँगी। देन उसके बाद में आईलैश को कर्ल कर लूँगी आईलैश कलर्स के मदद से। उसके बाद ये है ब्लू हेवन का स्केच आईलाइनर, सो इससे मैं आईलाइनर विंग्स वाला आईलाइनर क्रिएट कर लूँगी, ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद दोनों आईज पे ड्रॉ करने के बाद देन उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का स्मच प्रूफ लाइनर पेंसिल काजल जो पेंसिल है वो मैं अपर एंड लोअर दोनों आई लाइन पे वाटर लाइन पे क्रिएट कर लूँगी अच्छे से। देन उसके बाद मैं ब्लू हेवन का ये है वाटर प्रूफ मस्कारा आई लैश पे अच्छे से अपर एंड लोअर आई लैश पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी अपना फेस का जो फाउंडेशन, ये वाइट एंड वाइट का फाउंडेशन है। अच्छे से पूरा फेस पे लगा के फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर को ब्लेंडर की मदद से टैप टैप करके पूरा फेस पे ब्लेंड कर लूँगी एंड देन नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। सो उसके बाद मैं जो स्टे क्विकी का जो लूज पाउडर है सो पूरा फेस पे मैट फिनिशिंग के लिए अप्लाई कर लूँगी। सो उसके बाद में यहाँ पे जो मेरे पास शिवाना का कॉन्टोर है,
कंट्रोल कर लूँगी पूरा फेस पे, चिक पे, जो लाइन पे, फिर चिन एरिया पे, फोरहेड पे, नोज पे, जहाँ पे भी कंट्रोल करने का ज़रूरत है मैं कंट्रोल कर रही हूँ। नोज़ पे एक पतला सा फ्लैट ब्रश लेके कंट्रोल कर रही हूँ। सो कंट्रोल करने के बाद गाइस अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ब्लश है ब्लश कोरल सा कलर लेके अप्लाई कर रही हूँ। फिर सिवाना का ही जो हाइलाइटर है हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी चिक पे, नोज़ पे, नोज़ ऑफ द ब्रीज पे और चिन पे, क्यूपिड बो पे, फॉरहेड पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। फिर एक छोटा सा ब्रश की मदद से ब्रो बोन पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। देन उसके बाद मैं जो लिप बाम लगाई थी वो क्लीन कर लूँगी और मेरा जो आईलैश है उसको उस पे मैं ग्लू लगा के थोड़ा देर वेट करने के लिए रख दूँगी। जो ब्लू हेवन का दो मैं कलर अप्लाई कर लूँगी लिप पे, एक है डार्क 05 शेड, एक है 03 शेड, दोनों को एक को मैं लिप लाइनर के जैसा अप्लाई कर रही हूँ, एक बीच में मिडिल पॉइंट पे अप्लाई कर रही हूँ। दोनों कलर मिक्स्ड करके मैं अपने लिप पे अप्लाई कर रही हूँ। ये है दोनों लिक्विड लिपस्टिक ब्लू हेवन का मैट फिनिशिंग। देख सकते हो गाइस मेरा इसके बाद ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे मेकअप सेटिंग स्प्रे से सेट कर लूँगी। देन उसके बाद आई शेडो पैलेट के ब्राउन कलर लेके अपना आई लाइन के नीचे थोड़ा सा ब्राउन कलर स्मच कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा हाइलाइटर में अपना इनर कॉर्नर पे हाईलाइट कर लूँगी। उसके बाद मैं जो ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था आईलैश को आईलैश में अप्लाई कर रही हूँ। मेरा जो लुक के फाइनल लुक सपने हुए सरफरे हाथों में आते नहीं उठते हैं लम्हे मेरे मेरी हंसी तुझसे मेरी खुशी तुझसे तुझे खबर क्या बेकदर जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरता हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ।